देवास पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार शहर में अवैध गतिविधि संचालित करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं देर शाम ईदगाह रोड क्षेत्र से कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते हुए 7 लोगों को पकड़ा है। कोतवाली थाना प्रभारी दीपक यादव द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि ईदगाह रोड के एक घर में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद हमने टीम बनाकर वहां दबिश दी। इसमें जुआ खेलते 7 लोगों को पकड़ा है और 5,000 रुपये की राशि इनसे जब्त की है और जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। गौरतलब है कि देवास शहर कई क्षेत्रों में जुए सट्टे का खेल चल रहा है, जहाँ पर जुआ सट्टा खेलने के लिए दूसरे जिलों से भी लोग पहुँच रहे हैं। बात करें उज्जैन रोड ब्रिज लोहार पिपलिया बालगढ़ क्षेत्र माता टेकरी के आसपास इटावा क्षेत्र कंजर मोहल्ला की, तो यहाँ पर बेखौफ जुआ सट्टा संचालित हो रहा है। पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं कि फिर से अड्डे संचालित कर लिए जाते हैं। मुखबिर द्वारा आज सूचना मिली कि ईदगाह रोड के पास ईदगाह के पड़ोस में एक घर में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसकी सूचना पर ना पुलिस टीम को भेजकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर 7 आरोपी मिले, जिनके पास से लगभग 5,000 रुपये मिले, जिनके खिलाफ में जुआ एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई तथा अचक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अलग से की गई। ऐसी लगातार जारी रहेगी, जहाँ जहाँ सूचना मिलती रहेगी वहाँ वहाँ लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।